उन्नाव मामले में यानी कि उन्नाव जिले में ये जो तीनों ही लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, इस घटना में बड़ी ही मिस्ट्री है, बड़ी उलझी हुई ये घटना है जिसके खुलासे को लेकर लगातार पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस घटना में आखिर मिस्ट्री वाली बात क्या रही। मिस्ट्री वाली बात ये रही कि लड़कियाँ डेली ही अपने घर से 3-4 बजे निकलती हैं चारा लेने के लिए, और वो कल भी निकली अपने घर से 3-4 बजे तीनों ही लड़कियां। उसके बाद शाम को 6 बजे तक वापस नहीं लौटी। जब वो वापस नहीं लौटी तो उनके परिवारजन उन तीनों ही लड़कियों को ढूंढने के लिए निकले, तलाश के लिए निकले, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वो लड़कियाँ बेहोशी की हालत में मिली। भाई का कहना है कि लड़कियां जो थी वो तीनों ही बंधी हुई थी अपने अपने कपड़ों से, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुँह से झाग निकल रहा था। अगर उनकी माँ की बात की जाए यानी कि लड़की की माँ की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि लड़कियाँ बंधी हुई हालत में नहीं थी, बस बेहोश थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के एंगल को अगर देखा जाए, फिलहाल उन्नाव जिले में जो SP हैं वो यहाँ पर सुरेश राव आनंद कुलकर्णी हैं, उनका ये कहना है कि लड़कियाँ बंधी हुई स्थिति में नहीं थी, हाँ लेकिन मुँह से झाग निकल रहा था और अचेत अवस्था में थी। जब पुलिस पहुँची तो अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी और 1 लड़की जिंदा है लेकिन हालत बहुत गंभीर है, इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो तीनों ही लड़कियां हैं ये बंधी हुई अवस्था में थी या नहीं थी, क्योंकि 2 पक्ष यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। सभी के बयान में यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। माँ और भाई दोनों की बयान एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। भाई का कहना है बंधे हुए थे हाथ पैर, माँ का कहना है हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे। पुलिस भी ये बात कह रही है कि हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे, लेकिन अगर प्रथम दृष्टि से देखें तो बड़ा ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़ी अनसुलझी गुत्थी है ये, शायद जिसको सुलझाने में पुलिस को थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि हर एंगल से जांच की जा रही है। तीनों ही लड़कियां जिस परिवार से आती हैं वो एक दलित परिवार है और खेती पर निर्भर करता है, खेती पर उनकी जीविका निर्भर करती है। तीनों की ही उम्र कम है, 13 से 16 साल के बीच में है। जिस लड़की की हालत गंभीर है उसकी उम्र 16 साल है, वो इन तीनों में सबसे बड़ी थी। 2 उनमें चचेरी बहनें थीं, 1 बहन अलग परिवार से थी, हालांकि तीनों रिश्ते में बहन ही लगती थी। लेकिन आखिर मुंह से झाग निकल रहा था, हाथ पैर बंधे थे या नहीं थे, क्या शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कई तरह की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन स्पष्ट स्थिति आखिर क्या थी इस पर कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी लगातार वहाँ पर कोशिश कर रही है, जांच पड़ताल की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या स्थिति थी। हालाँकि इस पूरे मामले को लेकर पता या खुलासा तभी हो पाएगा जो तीसरी लड़की है, जब उसको होश आएगा और वो कुछ अपनी तरफ से बयान देगी। तो प्रशासन भी यहाँ पर इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि जो तीसरी लड़की है उसकी हालत ठीक हो, उसको होश आए, तब शायद कुछ स्पष्ट हो सके कि आखिर हुआ क्या था।